झा है, पापा का नाम अरुण झा है और माँ का नाम कविता झा है। और हम बचपन से ही स्ट्रगल किए हुए हैं, मेरी मम्मी भी स्ट्रगल की हुई है। बचपन में मम्मी रिजा का काम कर चुकी है और रिजा का काम हम भी कर चुके हैं, दो दिन तीन दिन हम भी किए हैं। उसके बाद दाई का काम जो होता है वो हम भी किए हैं, मेरी मम्मी अभी तक कर रही है, ठीक है। पापा मेरे ऑटो चलाते हैं और हम जितना भी हो सका मेरी मम्मी को पढ़ाने का कैपेसिटी उतना तक पढ़ाई। उसके बाद यहाँ जितना घर की स्थिति ठीक नहीं था तो हम अपना काम करना स्टार्ट किए। पहला काम किए हम घर का काम करते करते, यहाँ 8 क्लास से लिखे, यहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए। उसके बाद 9, 10 फिर सरकारी 11th में जब गए तो मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन करवाए। वहाँ से एक कपड़ा दुकान था, पहला स्टार्टिंग वहाँ से हुआ 1500 से। उसके बाद स्पोर्ट दुकान गए, फिर वहाँ इंटर मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम शुरू से ही मेरा ITI करने का शौक़ था, फिर यहाँ पैसा के अभाव के कारण हम नहीं कर पाए। और उसके बाद यहाँ रॉयल इनफील्ड में गए, यहाँ कंपनी में गए इसका, यहाँ CRE का जॉब मिला हमको, 5000 रुपया सैलरी था। उसके बाद करते करते यहाँ फिर यहाँ कुछ दिन तक किए, 1 साल तक लगसम किए। उसके बाद उन लोग यहाँ धक्का मार के निकाल दिया। जो यहाँ गैरेज के जो मालिक है फुरकान अंसारी, वो भी वहाँ का सीनियर टेक्नीशियन थे और हम वहाँ का CRE थे। वहाँ का अभिषेक सिंह, निशान सिंह सब हमको यहाँ लेटर में लिखवा के बाहर निकाल दिया गया। तो हम कुछ नहीं बोले, फिर उनको फ़ोन किए तो यहाँ बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, फिर यहाँ प्रॉब्लम समझते हुए तो बोले जो चल रहा है वो चल रहा है, तुम आ जाओ यहाँ जॉब करने लगे। एक दुकान है रॉयल इनफील्ड जोन दुकान, उसी में हम लोग अपना काम करना स्टार्ट किए। और जो ITI का जो प्रोसेस था वो मेरा कायम रहते गया और आगे तक कोशिश करते गए। और ये है फुरकान जो है मेरा गुरु भी हैं, ठीक है, वो हमको बहुत कुछ सिखाए हैं, अभी तक बढ़े हैं हम। फिर दोबारा हम शोरूम गए वहीं, तो फिर वहाँ बेजर टाइप का दोबारा भी निकाल दिया गया। तो उसके बाद में फिर उसके बाद यहाँ करते हुए ग्रेजुएशन किए SS मोवड़ियल कॉलेज से, Part 2 तक लिख पाए। उसके बाद यहाँ नहीं हो पाया, मेरा कहा है कि हम यहाँ काम करते हुए घर उड़ चलाना ठीक बात नहीं, तो यहाँ पढ़ाई वहाँ छोड़ दिए। और उसके बाद फिर चेन्नई गए, हम सोचे कि अब थोड़ा जाते हैं कंपनी में जाते हैं। कंपनी में गए तो वहाँ मेरा सब कुछ सही था, बस लास्ट यहाँ सर्टिफिकेट मांगा डिप्लोमा और ITI का, वो मेरे पास नहीं था। उसके लिए हमको जाना पड़ा यहाँ सरकारी में किए, तो जाति उदी के बाद यहाँ बोलने लगा, जाति यहाँ कास्ट उसके लेके परसेंटेज लेके नहीं हो पाया। और इसके बाद यहाँ प्राइवेट में गए तो 45 से 50 हज़ार रुपया मांग रहा, उतना मेरे पास इतना माँ बाप के पास कैपेसिटी नहीं है और मेरे पास भी उतना कैपेसिटी नहीं है करने के लिए। तो उसके बाद बस वही जगह 6 से 7 साल वहाँ रेगुलर वही दुकान में करते करते इतना आगे बढ़ गए हैं ना। आप चाहते हैं कि हम कुछ और आगे करके कुछ नया करके कुछ और दिखाएं सबको, घर वाला लोग से लेके बाहर वाला तक दिखाएं कि लड़की लोग भी ना कोई कमज़ोर नहीं होती है, कोई आगे कुछ कर सकती है। मगर मैं कोई नहीं यहाँ बात को नहीं समझ, बोलता है कि यहाँ गैरेज में क्यों आई है, काहे के लिए करती है, सब बोलता है, मगर यहाँ कस्टमर नहीं बोलता, इंसान लोग जो बाहर वाला समाज वाला लोग ये लोग बोलता रहता है कि क्या करेगी कुछ नहीं, ऑटोमोबाइल्स में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा शौक़ था शुरू से ITI करने का, उतना कैपेसिटी नहीं था मेरे करने के लिए। यहाँ करते करते अगर आप लोग का माध्यम से अगर हो पाए तो अगर अच्छी बात है, नहीं होगा तो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम निकला है, फिर ITI का फॉर्म भरेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या हो पाएगा क्या नहीं।